स्टूडेंट हाउ आर यू होप यू विल बी फाइन सो स्टूडेंट वेलकम टू अवर चैनल राजर्षी क्लासेस सो स्टूडेंट टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न फिफ्थ स्टैंडर्ड ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज लुकिंग अराउंड का चैप्टर नंबर 1 द लेसन नेम इज सुपर सेंसेस सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन तो इस लेसन के हम 4 पार्ट करने वाले हैं तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है तो स्टूडेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकॉन देन यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ अवर वीडियो सो स्टार्ट द लेसन सुपर सेंसेस तो यू नो अबाउट सेंसेस इन प्रीवियस क्लासेस सो स्टूडेंट यू नो अबाउट सेंसेस इन प्रीवियस क्लासेस तो सेंसेस कौन कौन से होते हैं सेंस ऑफ साइट मतलब देखने की क्षमता किससे देखते हैं हम आईज से देखते हैं देन सेंस ऑफ स्मेल स्मेल करने की क्षमता हम में होती है तो किससे करते हैं हम नोज से करते हैं स्मेल सेंस ऑफ हियरिंग किससे करते हैं हम सुनते हैं हम तो कानों से मतलब ईयर सेंस ऑफ टेस्ट टेस्ट किससे लेते हैं हम टंग से तो एंड सेंस ऑफ टच जो फीलिंग जो है हमें आती है वो हैंड में स्किन में तो ये सब जो है सेंसेस है जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं वैसे ही ये जो है एनिमल्स और बर्ड्स में भी होते हैं लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स और बर्ड है जिनमें ये क्षमता जो है वो ज़्यादा डेवलप है मतलब हमसे भी ज़्यादा डेवलप है तो ये इसी के बारे में जो है हम इस लेसन में आज पढ़ने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो यहाँ पे पिक्चर दी है आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो ईगल है वो यहाँ से रोटी लेके भाग रहा है ठीक है सो हैज दिस एवर हैपन टू यू क्या ये आपके साथ भी हुआ है ऐसे तो अगर आपके साथ हुआ है तो आपको यस लिखना है ठीक है सो यू वेर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड आप जो है प्लेग्राउंड में खाना खा रहे हो एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी और ईगल जो है उड़ते हुए आती है नीचे और फिर जो है आपकी रोटी लेके वो भाग जाती है तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है तो अगर हुआ है तो आपको यहाँ पे यस लिखना है ऐसा बहुतों के साथ में होता है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये लड़का जो है इस डॉग के पास से जो है वो जा रहा है एज यू वॉक सॉफ्टली पास स्लीपिंग डॉग तो ये जो डॉग है वो सोकर है तो और ये लड़का जो है धीरे से उसके पास से जा रहा है इट्स ईयर शॉट अप एट वंस तो ये जो है अपने कान खड़े कर ले रहा है जैसे ही उसको पता चलता है कि कोई उसके पास से जा रहा है तो वो अपने कान खड़े कर लेता है तो ये क्यों होता होगा तो इसके बारे में हमको यहाँ पे जानना है सो यू ड्रॉप समथिंग स्वीट्स ऑन द ग्राउंड आप जो है कुछ स्वीट जो है वो ग्राउंड में ड्रॉप करते हो डाल देते हो एंड विद इन अ मिनट्स मेनी एंट्स कलेक्टेड अराउंड इट और बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड में चीटियाँ जो है उसके पास में आ जाती है तो ये भी आपने देखा होगा तो व्हाई डज इट हैपन ये क्यों होता होगा ऐसा सो थिंक एंड टेल तो इसके बारे में ही हमें सोचना है और बताना है तो एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस यू नो दैट एनिमल्स को भी हमारे जैसे ही सेंसेस होते हैं जैसे देखने की क्षमता होती है उनमें भी स्मेल करने की क्षमता होती है सुनने की क्षमता होती है टच करने की क्षमता होती है टेस्ट करने की क्षमता होती है तो सभी जो सेंसेस ह्यूमन बींग्स में है वही जो सब एनिमल्स में भी हमको देखने को मिलते हैं दे कैन सी वो देख सकते हैं दे कैन हियर सुन सकते हैं दे कैन टेस्ट ऑल्सो वो टेस्ट भी कर सकते हैं वो स्मेल भी कर सकते हैं एंड वो फील भी कर सकते हैं सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे कुछ एनिमल जो है उनका जो प्रे है उनका जो खाना है वो बहुत दूर से भी जो है देख सकते हैं जैसे कि ईगल ईगल जो है उसको बहुत दूर से जो है वो रोटी जो है ग्राउंड पे जो बच्चे खा रहे हैं वो दिख जाती है तो सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड और कुछ ऐसे एनिमल्स है जो वो एकदम धीमी आवाज़ जो हम भी नहीं सुन सकते वो भी आवाज़ जो है ये एनिमल्स सुन लेते हैं एंड सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो स्मेल से अपने फ्रेंड्स को जो है वो पहचान लेते हैं द एनिमल्स वर्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस एनिमल के वर्ड में बहुत सारे ऐसे अमेजिंग सेंसेस है
सेंसेस के जो एग्जाम्पल है वो बहुत एग्जाम्पल आपको दिखेंगे। तो यही जो है हम इस लेसन में अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो हाउ डू द एंट रिकग्नाइज फ्रेंड, एंट जो है वो अपने फ्रेंड्स को कैसे पहचान लेती है। सो एंट एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एक एंट जो है वो ग्राउंड में जा रही होती है। सो इट सा अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, तो वो देखती है कि एक ग्रुप ऑफ एंट जो है आगे से आ रहा है। द फर्स्ट एंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल, और ये जो फर्स्ट एंट है जो ग्राउंड में घूम रही थी वो तुरंत अपने होल के पास में चले जाती है। द एंट गार्डिंग द होल रिकग्नाइज इट एंड लेट इट इन, द एंट गार्डिंग द होल, वो एंट जो है वो क्या कर रही थी, उस होल को गार्ड कर रही थी। जैसे हमारे स्कूलों में जो वॉचमैन होता है वो गार्ड करते रहता है, तो वैसे ही ये एंट जो है वो अपने होल को जिनका वो घर होता है जिसे हम एंट हिल कहते हैं, एंट के जो हाउस होते हैं उसे क्या कहते हैं, एंट हिल, तो वो एंट हिल को जो है गार्ड करते रहती है। देन शी गो बैक टू इट्स होल, वो अपने होल के पास में चले जाती है। एंड ये जो ग्रुप है जो आ रहा है उसको पहले तो पहचानती है और फिर जो है उसको अंदर भेज देती है, ठीक है। देन थिंक एंड टेल, यहाँ पे थिंक एंड टेल दिया हुआ है। तो How did the ant know that the other ant were not from its group? तो ये जो ant है वो कैसे जानती है कि ये जो group है वो हमारे मतलब group का है या नहीं है? तो इसके बाद सो एंट ऑल्सो हैव अ डिफरेंट सेंसेस, एंट को भी जो है अलग अलग सेंसेस होते हैं। सो दे कैन सी हियर स्मेल एंड फील, वो भी देख सकती है, सुन सकती है, स्मेल कर सकती है, फील कर सकती है। ड्यू टू दिस एबिलिटी द एंट कम टू नो दैट द अदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, तो इसी सेंसेस की वजह से जो है वो समझ जाती है कि ये जो है हमारे ग्रुप का है या नहीं है। जैसे कि एंट का जो एंट जो है वो स्मेल से पहचान जाती है कि ये जो एंट है वो हमारे ग्रुप का है या नहीं है। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बाय द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये आंसर लिखना है। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकग्नाइज दिस एंट, तो ये जो गार्ड एंट है वो उसने जो है कैसे पहचान लिया उस एंट को, तो सेम आंसर जो है इसका भी होगा, क्योंकि वो स्मेल से ही वो रिकग्नाइज करती है, पहचानती है, तो बाय स्मेल यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा। ट्राई दिस एंड राइट, आपको ये ट्राई करना है और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ड्रॉप सम शुगर जागरी आर एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, आपको कुछ शुगर या फिर जागरी लेना है या फिर कोई भी स्वीट जो है वो ग्राउंड में डाल देना है। वेट अंटिल द एंट कम देयर, और वेट करना है कि एंट जो है वहाँ पर कब आती है। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करना है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर एंट टू कम, तो कितना टाइम लगता है उस स्वीट के पास में एंट को आने के लिए, तो ये जो है आपको वॉच करना है और खुद का आंसर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। स्वीट को जो है एक एक्टिविटी समझ के आपको ये करना है, स्वीट जो है ग्राउंड पे डाल देना है और देखना है कि एंट कितने टाइम में आती है, तो आपको वॉच जो है वो देखते रहना है और देखना है कि कितने मिनट में वो वहाँ पर पहुँचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 or 20 मिनट्स में जो है वहाँ पर पहुँच जाती है, तो आपको आंसर में 15 or 20 मिनट आ सकता है, लेकिन आपको ये खुद करके देखना है। डिड वन एंट कम फर्स्ट आर अ ग्रुप ऑफ एंट कम टुगेदर, क्या एक एंट पहले आती है और फिर ग्रुप एंट्स आती है एक साथ, तो ये भी आपको वॉच करना है। तो आप देखोगे कि पहले जो है एक ही एंट आती है, नेक्स्ट जो है उसके साथ में फिर बाकी की जो सभी एंट जो है वो आती है। तो फर्स्ट वन एंट कम देन फॉलो ऑल द ग्रुप एंट,
पहले एक आंट आती है, फिर ग्रुप के ग्रुप आंट के एक एक जो है उसके पीछे आती है, उसको फॉलो करती है. व्हाई डिड द एंट डू विथ द फूड? तो वो जो फूड वहाँ पे गिरा होता है, जो जागरी आपने डाला है या शुगर या कुछ भी, तो उसका वो क्या करती है? तो एंट कैरीड द फूड टू देयर होल. वो क्या करती है, उसे उठाती है और अपने होल के तरफ लेके जाने की कोशिश करती है. ठीक है, सो यहाँ पे आपका आंसर होगा एंट कैरीड द फूड, वो फूड कैरी करती है टू देयर होल, मतलब उसके होल के तरफ लेके जाने के लिए वो उसे कैरीड, मतलब फूड को जो है वो उठाती है. ठीक है, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? और फिर कहाँ जाती है वो वहां से? दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर. कहाँ जाती है? दे गो टू देयर होल. वो कहाँ जाती है? होल की तरफ जाती है. ठीक है, तो यही आंसर्स आपको जो है वीडियो को स्टॉप करके लिखते जाना है. नेक्स्ट, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? तो ये हो गया हमारा. सो डू दे मूव इन अ लाइन? क्या वो लाइन से जाते हुए दिखती है? सो यस, ये जो है लाइन से जाती है. दे मूव इन अ लाइन. आपने देखा होगा कि चींटियां जब भी जाते हुए दिखती है हमको, तो वो लाइन से जाते हुए दिखती है. तो ये आपका सबका आंसर सेम होगा. ठीक है, नेक्स्ट जो है, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ व्हाइल एंड विद अ पेंसिल. तो आपको क्या करना है, केयरफुली एंट को जो है कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए. इस तरह से जो है आपको क्या करना है, एंट जो जा रही होती है उसका जो रास्ता है वो ब्लॉक करना है हमें. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें पेंसिल रख देनी है. सो नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट मूव. तो अब आपको ऑब्जर्व करना है कि ये एंट जो है कैसे मूव करती है. तो सो यू सी देयर एंट क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल. एंट जो है यहाँ से पेंसिल से जो है चढ़ के जो है वो आगे जाती है. दे स्टिल मूव इन अ लाइन. तब भी जो है वो लाइन से ही जाते हुए आपको दिखती है. जिस लाइन से वो आती है उसी लाइन से वो जाती है. वाई? तो ये क्यों करती है ऐसा, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, आपको जो है एंट उस पेंसिल से क्लाइंब अप होते हुए दिखेगी. एंड दे स्टिल मूव इन अ लाइन. वो जो है तभी जो है वो लाइन से जाते हुए आपको दिखेगी. ठीक है, मतलब पेंसिल के ऊपर से तो भी वो जाएगी ऐसे क्लाइंब होके, या फिर दूसरी तरफ से भी जो है वो रास्ता निकाल के जो है आगे उसी लाइन से जाते हुए आपको दिखेगी. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया है, मेनी ईयर्स एगो साइंटिस्ट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस. तो इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया और कुछ एक्सपेरिमेंट किए. जैसे कि हम भी जो है चींटियों को अगर देखते रहे तो हमें भी जो है बहुत सारी बातें उनकी मालूम हो सकती है. तो वैसे ही इन्होंने भी जो है बहुत सारी बातें जो है उनके बारे में देखी और फिर जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किए. तो उसके बाद उन्हें पता चला कि ही फाउंड आउट दैट एज द एंट मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड. तो उन्हें पता चला कि जब एंट मूव करती है तो वो एक स्मेल जो है जाते हुए उस ग्राउंड में छोड़ते जाती है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अंडरलाइन करके ही रखना है. व्हेन एंट लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, जब वो जाती है तो कुछ स्मेल जो है उस ग्राउंड में छोड़ते हुए जाती है. द अदर एंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे. और बाकी की जो एंट है ये स्मेल को ही फॉलो करके जो है आगे बढ़ती है. जैसे अब ये एक एंट अगर सामने जा रही है तो उसको ही जो है दूसरी एंट जो है वो फॉलो करती है. ठीक है, नाउ यू कैन गेस व्हाई द एंट बिहेव लाइक दैट व्हेन एंड यू ब्लॉक देयर पाथ. तो हमने देखा कि जब एंट का रास्ता जब हमने ब्लॉक किया तो वो जो है उसके ऊपर से जो है वो क्लाइंब करके निकल जाती है. तो हमें बताना है कि
ये जो एंट है जब हमने उनका रास्ता ब्लॉक किया तो वो उसके ऊपर से क्यों गई थी? तो आपको पता है कि वो जो है एंट जो है स्मेल जो है वो छोड़ते हुए जाती है जब भी वो वहाँ से जाती है। तो दूसरी बार जब वो मतलब उस रास्ते से जाकर वापस आती हैं तब भी वो जो है अपना वो स्मेल जो है जहाँ जहाँ पर वो छोड़ के जाती है उसी रास्ते से वापस जो है वो जाते हुए वहाँ से जाती है। इसीलिए जो है जब हमने एंट का पाथ ब्लॉक किया था तब वो जो है उसको पता था कि आगे ही यही लाइन से हमको जाना है, तो वो पेंसिल के ऊपर से क्लाइंब होके उसी रास्ते से वो हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे आपको आंसर लिखना होगा। इसका आंसर जो है मैं आपको बाद में जो है अगले वीडियो में आपको दे दूंगी, मतलब अगले वीडियो में मैं इसके आंसर्स आपको वो डिटेल में दे रही हूँ। ठीक है, सो सम मेल इंसेक्ट कैन रिकग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। कुछ स्मेल इंसेक्ट जो होती है ये और एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, सम मेल इंसेक्ट कैन रिकग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। कुछ मेल इंसेक्ट जो होते हैं वो अपने फीमेल इंसेक्ट को जो है वो कैसे पहचानते हैं, तो उनके स्मेल से। मतलब ये स्मेल का जो सेंस है इंसेक्ट्स में हो या फिर एंट में हो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए वो जो है अपने ग्रुप्स के मेंबर को या फिर ये जो इंसेक्ट है अपने फीमेल इंसेक्ट को किस तरह से पहचानती है, स्मेल से जो है वो पहचान जाती है। हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मॉस्किटोज? क्या कभी आपको मॉस्किटो से जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है? तो सभी को होती है, सभी को ट्रबल होता है मॉस्किटो से। जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर? तो सोच कर देखो कि उनको कैसे पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि उनको कैसे पता चल जाता है हम कहाँ पर बैठे हैं या कहाँ पर हैं। सो यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है, मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। तो मॉस्किटोज को का भी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पे और एक सेंस जो है हमको पता चल रहा है मॉस्किटोज के बारे में कि मॉस्किटोज का भी जो है सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो हमारे बॉडी के स्मेल से जो है वो हमें पहचान जाते हैं कि हम कहाँ पर है। दे आल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट। और उनको हमारे फीट का पैर का जो सोल होता है तो उसके सोल के स्मेल से भी वो जो है हमें हम कहाँ पर है वो पहचान जाती है। ओके, एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, और हमारी बॉडी की जो हीट है उससे भी वो पहचानती है हमको। तो मॉस्किटो का जो स्मेल ऑफ सेंस है, सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से वो हमारे बॉडी के स्मेल से हमें पहचान देती है, हमारे फीट के सोल से के स्मेल से पहचान जाती है, और हमारे बॉडी की हीट जो है उससे भी जो है वो हमें पहचान जाती है कि हम कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे और एक दिया हुआ है, आई एम अ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म, आपको सिल्क वॉर्म मालूम है जिससे कि सिल्क बनाया जाता है और वो सिल्क से कपड़े बनाए जाते हैं। तो आई एम अ सिल्क वॉर्म, ये जो है इंसेक्ट है सिल्क वॉर्म। आई कैन फाइंड माय फीमेल वॉर्म, ये जो इंसेक्ट है उसका फीमेल वॉर्म जो होता है, मतलब सिल्क वॉर्म का फीमेल सिल्क वॉर्म जो होता है उसे वो कैसे पहचानती है, फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल। उस वो कितने भी किलोमीटर दूर हो फिर भी उसका स्मेल जो है उसे आता है और वो उसे पहचान जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? क्या कभी आपको आपने डॉग को देखा है सूंघते हुए इधर उधर? तो बहुत बार देखा है हमने डॉग जो है इधर उधर सूंघते हुए दिखता है हमें। सो व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? क्या आप सोचते हो कि वो स्मेल करते रहता है? तो यस, वो जो है स्मेल करते रहता है। अब किसका स्मेल करते रहता है? डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। डॉग जो है अपना खुद का जो एरिया है जहाँ पर वो डॉग रहता है वहाँ का पूरा जो एरिया है वो मार्क करते रहता है। कैसे मार्क करता है? वो उसके यूरिन से और उसकी पोटी जो होती है लैटरिन उससे जो है वो मार्क करते रहता है। मतलब दे कैन मेक आउट इट अनादर डॉग
हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। जब भी कोई दूसरा डॉग उनके एरिया में आ जाता है तो वो पहचान जाता है कैसे, उसके यूरिन से या फिर उसके पॉटी से। तो उसके यूरिन की और पॉटी की जो स्मेल होती है तो उससे जो है वो पहचान जाता है कि कोई दूसरा डॉग जो है उस एरिया में आया है, ठीक है। और अपना एरिया भी वो जो है मार्क करके रखती है, उसको पता रहता है कि मेरा एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो इस तरह से वो यही सूंघते रहती है, स्मेल करते रहती है कि कोई दूसरा डॉग तो हमारे एरिया में नहीं आया है। तो इस तरह से ये डॉग का जो सेंस ऑफ स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है राइट, इन वॉट वे डू ह्यूमन बींग मेक अस ऑफ द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। तो ह्यूमन बींग्स जो है ये जो स्पेशल सेंस है, स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल जो डॉग का होता है उसका कैसे यूज़ कर लेता है। तो आपको पता है कि डॉग्स को जो है पुलिस डिपार्टमेंट में एक अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है स्मेलिंग का, और वो जो है फिर यूज़ करते हैं उसे चोरों को पकड़ने के लिए, मतलब थीव्स को जो है कैच करने के लिए। तो ऐसे और कौन कौन से यूजेस हैं ह्यूमन बींग जो है उसका यूज जो है वो कर लेते हैं। तो एक तो है टू कैच द थीव्स, मतलब ये जो टू कैच थीव। दूसरा जो है दूसरा क्या है टू डिटेक्टिंग बॉम्ब, हाँ बॉम्ब डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है। ये जो है दूसरा जो यूज है उसका डिटेक्टिंग बॉम्ब, वो बॉम्ब को भी डिटेक्ट कर सकता है। आपने देखा होगा कि जब भी कभी ऐसे खबर आती है कि कहीं पे बॉम्ब रखा हुआ है तो पुलिस लोग जो है डॉग्स को लेके जाते हैं उसे डिटेक्ट करने के लिए। और कभी अर्थक्वेक हो गया या फिर कुछ कैलेमिटीज आ गई तो ऐसे वक्त में भी जो पीपल लॉस होते हैं, मतलब दिखते नहीं है, घूम हो जाते हैं या फिर उस मलबे के नीचे दब जाते हैं, तो ऐसे वक्त में भी जो है डॉग का यूज होता है उनको मतलब ढूंढने के लिए। तो यहां पे हम लिखेंगे टू सर्च फॉर लॉस्ट पीपल, जो गुम हो जाते हैं ऐसे लोगों को ढूंढने में भी डॉग जो है वो हेल्प करता है। टू सर्च फॉर लॉस्ट पीपल, लॉस्ट जो गुम हो जाते हैं लोग उनको भी ढूंढने में ये डॉग जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। और भी इसके यूज़ है, जो हम घर में जब डॉग रखते हैं तो वो जो है कोई नया व्यक्ति आता है घर में तो उसको जो है वो डिटेक्ट करता है पहले, अगर वो पहचान का नहीं है तो वो भौंकने लगता है तो वो अपने घर को गार्ड करता है। घर को गार्ड करने के लिए भी जो है ह्यूमन बींग उसको यूज़ करता है, टू गार्ड guard the हाउस, अपने घर को वो गार्ड करने के लिए भी उसका यूज़ करता है, ठीक है। तो यही आंसर आपको आपके नोटबुक में वीडियो को पॉज करके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है when do you find your sense of a smell helpful to you, तो आपको कब लगता है कि आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो आपको हेल्प कर रहा है। सो लिस्ट सम एग्जांपल, आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देने हैं, जैसे कि टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड, जैसे कि स्मेल से हमको पता चल जाता है कि फूड जो है वो स्पॉइल हो चुका है, तो ये हम जो है पहचान जाते हैं, ठीक है। वैसे ही दैट समथिंग इज बर्निंग, कभी कुछ जल रहा होता है तब भी हम जो है पहचान जाते हैं कि कुछ जल रहा है, उसके स्मेल से हमको पता चल जाता है। तो वैसे और कौन से ऐसे मतलब एग्जाम्पल है जो आप दे सकते हो यहाँ पर, तो जैसे कि फ्लावर का स्मेल हम पहचान जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है जो अगरबत्ती हम लगाते हैं, इंसेंस स्टिक्स बोलते हैं उसे, तो ये इंसेंस स्टिक का भी जो है स्मेल हम पहचान जाते हैं, ठीक है। इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती बोलते हैं, इसका भी सेंस हम पहचान जाते हैं। गैस कभी लीक होते हुए दिखती है तो उसका भी सेंस, उसका भी स्मेल हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गैस लीक,
या फिर और भी बहुत सारे स्मेल्स है, जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम का स्मेल भी जो है हम पहचान जाते हैं। तो इस तरह से आपको जितने भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल। ऐसे कौन से एनिमल है जिसको आप सिर्फ उसके स्मेल से पहचान जाते हो, विदाउट सीइंग देम, उनको बिना देखे। तो ऐसे भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हम विदाउट स्मेल जो है वो पहचान, विदाउट टू सी हम उनको पहचान सकते हैं। तो जैसे कि काऊ है, उसको हम पहचान सकते हैं, बफेलो है, उसको भी बिना देखे जो है हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट जो कैट है, कैट की भी स्मेल जो है पता चल जाती है। डॉग है, डॉग को तो हम अपने घर में रखते हैं तो पता चल जाता है कि ये डॉग, ये जो स्मेल है वो डॉग की है। या फिर फिश है, फिश की स्मेल भी हम जो है बहुत जल्दी से पहचान जाते हैं उसको बिना देखे, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी स्मेल्स है जिसको हम पहचान सकते हैं बिना देखे, ठीक है। यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द नेम्स ऑफ द फाइव थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड फाइव थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। यहाँ पे पांच ऐसी बातें जो है लिखनी है जो जिसकी स्मेल हमें पसंद है, और ऐसी पांच थिंग्स लिखनी है जिसकी हमको स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा, जैसे कि आई लाइक द स्मेल ऑफ, आई लाइक द स्मेल ऑफ टेस्टी फूड। टेस्टी फूड का स्मेल जो है वो बहुत पसंद आता है आपको, हमको, ठीक है। देन इंसेंस स्टिक का स्मेल भी जो है वो भी जो है हमें बहुत पसंद आता है, इंसेंस स्टिक हो गया। या फिर फ्लावर्स के स्मेल तो हमें सबको ही पसंद आते हैं। नेक्स्ट जो है सॉइल का जो स्मेल है वो भी बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, जब भी बारिश होती है तब जो है जो मिट्टी की जो सुगंध आती है वो भी सबको जो है पसंद आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है परफ्यूम का स्मेल भी सबको पसंद आता है, हर एक पर्सन का जो है अलग अलग जो परफ्यूम होता है जिसका स्मेल उसको पसंद आता है, ठीक है। सो आई डू नॉट लाइक द स्मेल। अब ऐसे कौन सी स्मेल से जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि गार्बेज, गार्बेज का स्मेल जो है हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। देन हवाओं में अगर ऐसी गंदी स्मेल आती है तो उसका भी जो है हमें वो भी हमें पसंद नहीं होती है, मतलब स्टेल एयर बोलते हैं इसे, स्टेल एयर, ठीक है। नेक्स्ट जो है डेड फिश का जो स्मेल है वो भी हमें पसंद नहीं है, बहुत गंदा आता है, ठीक है। काऊ का डंग जो है उसका भी स्मेल जो है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है। यूरिन का स्मेल जो है बहुत सारे लोगों सबको ही जो है पसंद नहीं आता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी बातें होगी जो आपको पसंद आती है, और बहुत सारी बातें होगी जिसका स्मेल आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो ये जो है आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके आपको लिखना है। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स? क्या ये जो आंसर आपने ऊपर लिखा वो आपके फ्रेंड्स का और आपका दोनों का सेम है? तो नहीं, ये तो सिमिलर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना आंसर लिखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है हम खत्म कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है, इसके आगे का जो भी पार्ट है वो हम सेकंड पार्ट में लेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का पार्ट जो है आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको भी आप लिखने की कोशिश करो, या फिर इसके बाद जो है अलग से इसके क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो जो है वो करने वाली हो, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो टिल देन, कीप वॉचिंग राजर्षि क्लासेस। हैव अ नाइस डे।